राज्य शासन के मंत्री और दिग्विजय सिंह के बयान से नाराज पटवारी हड़ताल पर चले रहे हैं। कुरवई में पटवारियों ने बस्ता बंद प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पटवारियों का कहना है कि नेताओं द्वारा की जा रही इस तरह की बयानबाजी से उनका अपमान हुआ है। कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से उन लोगों ने पटवारी को आद वाली बात जो बोली कि प्रदेश के पूरे पटवारी रिश्वत खो रहे हैं। इसके बाद उनने और भी बोला कि तहसीलदार आरआई सब भ्रष्ट हैं, प्रदेश में रिश्वतखोर सबसे ज़्यादा अगर 100% रिश्वतखोर पटवारी को बताया। जो थी वो थी, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी ने कल इंदौर भरे मंच में उन्होंने ये बोल दिया कि पटवारी वास्तव में रिश्वतखोर है और 1 लाख से 5 लाख तक नामांतरण में लेता है। खुले मंच से उनने ट्वीट कर दिया, जिससे और ज़्यादा आक्रोश की भावना हो गई और इस वजह से आज हम सभी पटवारी साथी पूरे बस्ते तहसीलदार साहब के पास जमा करके और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमने आवेदन नहीं दिया, हमने ज्ञापन इस बात का दिया है कि आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये कमलनाथ जी सरकार के मंत्री महू में उन्होंने पटवारियों को 100% भ्रष्ट बोला था और रिश्वतखोर भी बोला था। 8 तारीख तक हमारी जो है पूरी जो क्षति पत्रक तैयार हो जाने चाहिए, राशि स्वीकृत हो जानी चाहिए। तो अभी पटवारी जो है पिछले 3 दिन की छुट्टी पर थे, आज उन्होंने अपने बस्ते भी जमा कर दिए हैं, तो हमारा ये राहत राशि वितरण का काम पूरी तरह रुका हुआ है, इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। अभी तो सभी काम रुक गए हैं, अभी हमें ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से इसके बारे में हम सलाह मशवरा करेंगे कि अभी इसका क्या विकल्प है और कैसे हम काम अपने कर सकते हैं तहसील के।